अल्लाह तेरा शुक्र है, मुश्किल से लाए हुए हैं जाके यार। उसको चलेंगे, मैं आज हमारे यहाँ भिंडी तैयार हुई है। भिंडी ये आप देख रहे हो, मैंने ये खुद भिंडी अपने मुबारक हाथों से, या ना मुबारक कुछ भी कह लें आप, लगाई है। और ये ताज़ा भिंडी 3 दिन पहले भी निकाली है, अभी दोबारा निकाल रहा हूँ मैं आप लोग को बताने के लिए कि थोड़े से पौधे हैं। आप ये दिखाएं सर, थोड़े से पौधे हैं लेकिन उसमें कितनी बरकत होती है। 4-5 आदमियों का ये 8-10 पौधों से ना, बल्कि 5-6 पौधे अगर भिंडी के हैं, 8-10 आदमियों का खाना एक वक्त का तैयार हो जाता है। चलिए शाबाश, बस आप लोग को मोटिवेट करने के लिए हमने कहा मैं तो काटता हूँ। 2 दिन पहले भी काटे थे, अभी दोबारा काट रहा हूँ, इतनी बरकत है इसमें। शाबाश, बारी का टाइम भी होने वाला है। दागा देखा ना, आज मुझे ख्वाब में ना, अभी दोपहर सोया हूँ तो जापान वाले इरशाद भाई आए हैं, उनके साथ जा रहा हूँ। ये भिंडी, भिंडी ये 2 दिन में दोबारा इससे भी ज्यादा तैयार होगी इंशाअल्लाह। ये सारी गार्डनिंग मेरी खुद की है, और पहले भी इससे भिंडी निकाल चुका हूँ परसों। अब ये नया पौधा तैयार हुआ है ना, और ये शलजम आप देख रहे हैं, ये भी पानी दूंगा ना तो शलजम आराम से निकल आएगा। बड़े गोश्त के साथ शलजम पकाएं, मज़ा ना आए पैसे वापस। पका के आप कमेंट में लिख देने का, मज़ा नहीं आया तो अकाउंट नंबर दे दिएगा, पैसे नहीं मिलना वापस। लेकिन मैं इसलिए नहीं दूंगा, मुझे पता है आपको मज़ा बहुत आएगा, आप दूर बोल रहे हैं। इन लोग बोलते हैं हमेशा गोश्त जो है ना सब्जी के साथ मिलाकर पकाओ। आज तरावी के बाद ये पकेगा, ये भिंडाई, पश्तो में इसको कहते हैं भिंडाई, उर्दू में कहते हैं भिंडी। इनको अपना धुम्मा भी दिखाते हैं यार, बहुत बरकत रखी है अल्लाह ने इसमें। आज काट रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद दोबारा तैयार हो, इससे भी ज़्यादा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब, ये पपीता है, ये चीकू है, चीकू, ये सलाद पत्ता, ज़्यादा बड़ी हो जाए तो खाने के काबिल नहीं रहती।
बिल्कुल ऑर्गेनिक भिंडी, ऑर्गेनिक, इसका बीज भी ऑर्गेनिक, हाइब्रिड बीज नहीं है और खाद भी इसमें देसी। ये ज़्यादा बड़ी हो गई, ये खाने के काबिल नहीं रही है। ये और भी रखी है, फिर अब इस तारीख का टाइम हो गया, हम निकल रहे हैं। मैं लोगों से सलाम दुआ तो कर लूँ, सब अच्छे की रिपोर्ट है भाई, सब लोगों की कौन कौन के मैसेज आए हुए हैं, कितने लोग लाइव हैं, 122। ये इंशाल्लाह चले यार, नजाने हो रही हैं, इफ्तार के लिए भाग रहा हूँ। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।